कांग्रेस की रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल होने आए हाथ जोड़ो अभियान के दिल्ली प्रभारी व बिहार प्रदेश के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का की झा के आवास में भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मैथिल समाज सहित उद्योग एवं व्यापार से जुड़े सैकड़ों लोग यहां पर शामिल रहे। उद्योगपति और कांग्रेस नेता के झा के विशेष आग्रह पर राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आए हाथ जोड़ो अभियान के दिल्ली प्रभारी और बिहार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा नेहरू नगर स्थित के झा के आवास पहुँचे। उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के संयोजक सुबोध मंडल भी उपस्थित हुए। के झा के निवास पर दोनों पदाधिकारियों का ढोल नगाड़े और आतिशबाजियों से भव्य स्वागत किया गया। मदन मोहन झा ने उपस्थित जनों का आभार जताया। के झा ने व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद उनके आग्रह को स्वीकार कर आने के लिए दोनों पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। के झा ने कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह से पारिवारिक है। डॉक्टर झा लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, उन्हें काफ़ी अनुभव है। हमें उनसे राजनीति, व्यापार, उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। के झा के आवास में राजनीति, व्यापार, उद्योग, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े अनेकों लोगों ने डॉक्टर मदन मोहन झा और सुबोध मंडल का पुष्पहार से स्वागत किया। डॉक्टर झा ने उपस्थित लोगों से कहा कि आप लोगों को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सहयोग के लिए सदैव तैयार मिलूँगा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सबसे पहले तो हम के झा जी को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं जो आप इतने शॉर्ट नोटिस पर हमसे मिलने आए हैं। तो देश का जो परिस्थिति है, ये बात सही है, हमारा कम से कम 60 साल का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा विदाउट ब्रेकिंग एक सेकेंड के लिए, बाबूजी से लेके, बाबा से लेके, हमसे लेके और बेटा था। तो कांग्रेस पार्टी जो काम की, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हम लोग आए हैं, महाअधिवेशन हम लोग का चल रहा है 85वां है, और हम लोग उसी के दरमियान ये आए, झाजी से बात हुई। वो बहुत व्यस्तता के बावजूद भी इनके आग्रह को टाल नहीं पाए और जो लोग आए सबसे मिल उठ के उनके बातों को सुने। और पार्टी से तो लगाए पहले भी हम भिलाए आए हुए हैं चुनाव के मत, और फिर हम आएंगे, लेकिन आज का प्रयोजन जो है एकदम विशुद्ध नॉन पॉलिटिकल टाइप का। हमारे नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी जो 3800 किलोमीटर की यात्रा की, मुझे भी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, हम भी करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी अगर कोई सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी जी पर, तो उस पर लोग अब हंसेंगे। पहले जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपया इनके इमेज को ख़राब करने के लिए खर्च किया, उसमें सफलता भी पाए, नहीं पाए वही बात नहीं है। एक देश में राहुल जी को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, सोनिया गांधी जी को हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, निश्चित रूप से वो लोग देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए, और उसके बावजूद भी एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है देश में जो ये कुछ नहीं है, बच्चा है, बुआ है, क्या क्या नाम दिया गया सब बात जानते हैं, लेकिन एक बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन 3800 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अब अगर कोई आरोप लगाते हैं तो देश की जनता उस आरोप को सुनने के लिए भी तैयार है। सबसे बड़ी बात है इंट्रैक्शन होना चाहिए नेता का, और हमको जो फीलिंग है अपना, आपका नहीं बता रहे, वो ये यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी लो लेवल में भी लोग से बात करते हैं, जिस सिंप्लिसिटी से वो रहते हैं, मैं समझता हूँ जनता में कहीं ना कहीं उसका छाप भी होगा। और काम भी जहाँ तक किए हैं, जो कल भी जो पेश किए, मैं समझता हूँ जो देश में कहीं भी काम हुआ है तो उसमें छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे में। अब आज के डेट में हमारे राहुल गांधी जी के सामने कोई नेता ही नहीं है, नहीं प्रधानमंत्री तो उन्होंने नहीं कहा, नेता हम कह रहे हैं जिसको जनता चाहती है और दिल से मानती है, एक्सेप्ट करती है, वो राहुल गांधी जी हैं। खड़गे जी हैं,
राहुल जी भी उनके अंडर में है, लेकिन जनता का जो एक्सेप्टेंस है वो राहुल जी के पक्ष में है। अतिथियों का के झा, विभा झा, निश्चय झा एवं सृष्टि झा ने शॉल श्रीफल से स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से MSME के उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना, चरणजीत सिंह खुराना, भगवान अग्रवाल, व्यास प्रसाद शुक्ला, विवेक झा, नरसिंह कुकरेजा, JK जैन, RK सिंह, विजय अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, भुवनेश्वरी देवी, लल्लन तिवारी, मैथिल समाज से नरेंद्र ठाकुर, सदाशिव झा, अनिल सिंह, मोहन मिश्रा, संजय मिश्रा, मनोज झा, शिवानंद झा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।